हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज बच्चों क्लास थर्ड का जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन फाइव द टॉकिंग केव। टॉकिंग केव यानी बोलने वाली गुफा, ठीक है। ये आपका लेसन चल रहा है बच्चों, इसका जो है इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको इसका इस लेसन का एक्सप्लेनेशन कराया था, बताया था आप लोगों को। और कंप्रेंशन चेकअप में टिक द करेक्ट आंसर तक आपको करा दिया था। इसके बाद आज हम जो है इसके आगे बी फिल द ब्लैंक्स देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, बी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स फर्स्ट इसमें इधर आप फिल द ब्लैंक्स में पेज नंबर आपका 26, पेज नंबर 26 पर देखेंगे। यहाँ आपका बॉक्स में पीले कलर का जो बना हुआ है, कलर किया हुआ है, ये आपका वर्ड्स है। मिनी वर्ड्स को जो आपको इसमें फिल द ब्लैंक्स में आपको भरना है चूज करके, ठीक है। तो आप देखेंगे द लायन वाज वेरी, फर्स्ट है आपका द लायन वाज वेरी इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ सबका वर्ड है जो मैं आपको लिख रहे हैं ऊपर वाला है, सनसेट लीव्स टेरिबल टेरिबल स्लीप, ठीक है। टेरिबल स्लीप हंग्री और इसमें वर्ड और होगा है क्योंकि सिक्स दिया हुआ है आपका बुक में भरने के, सिक्स दिया है और आपका सबका फाइव दिया है, उसमें एक वर्ड और आपका आएगा पुलिस, तो छुटके से लिख लेंगे पुलिस बच्चों। तो इसी वर्ड इन्हीं वर्ड में से आपको ये जो वर्ड दिया हुआ है इसी में से आपको भरना है, ठीक है। इसी में से आपको भरना है चूज करके, ठीक है। तो पहला है द लायन वाज वेरी, क्या बोलेंगे, शेर जो है बहुत भूखा था, शेर क्या था, बहुत भूखा था। तो यहाँ बोलेंगे द लायन वाज वेरी हंग्री, एच यू एन जी आर वाई, द लायन इज वेरी, द लायन वाज वेरी हंग्री, शेर बहुत भूखा था, ठीक है। अपन सेकेंड है एट फिल द ब्लैंक्स, द लायन इज अ केव, द लायन रीच अ केव, ठीक है। एट द लायन रीच अ केव यानी कि अंत में जो है द लायन एट कब, सूर्यास्त होने पर, एट सनसेट, एट सनसेट द लायन रीच अ केव, सूर्यास्त होने पर जो है, या सूर्यास्त होने के बाद वह जो है सूर्यास्त के समय कह सकते हैं वह शेर जो है कहाँ पहुंचा, ये गुफा में पहुंचा। तो क्या करेंगे, सनसेट एस यू एन एस ई सनसेट मीन सूर्यास्त, आपको वर्ड मीनिंग में लिखवाया गया, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है आपका जयकार केम टू द केव, जयकार केम टू द केव, जयकार केम टू द केव एवरी नाइट टू ई वी ई आर वाई एवरी नाइट टू इन द ब्लैंक्स, टू के बाद इन द ब्लैंक्स है यानी जयकार जो है प्रत्येक रात गुफा में आता था या आया, ठीक है। क्यों आता था भाई, एवरी नाइट टू स्लीप सोने के लिए, वह जयकार जो सियार जो था प्रत्येक रात एवरी नाइट वहाँ केव में गुफा में आता था सोने के लिए, तो एवरी नाइट टू स्लीप
एस ओ डबल ई पी सोनी दिया जाता है। ठीक है, फोर्थ है आपका लिकिंग इज एल आई सी के आई एन जी, एल आई सी के आई एन जी लिकिंग हिज फिंगरप्रिंट्स द लाइट वेटेड फॉर जेकॉब द लायन वेटेड फॉर ए जे सी के एल जेकॉब। ठीक है, यानी लिखिंग हिज लिखिंग मीन चाटना होता है। ठीक है, लिखिंग चाटना लिखिंग हिज द लायन वेटेड फॉर जेकॉब यानी कि लिखिंग हिज लिप्स अपने होंठ को चाटते हुए। ठीक है, अपने होंठ को जो है चाटते हुए वह शेर क्या कर रहा था, सिया जयकार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, भूखा था इसलिए अपने होंठों को जो है चाट रहा था। ठीक है, कि जैसे ही वो आएगा उसको मैं खा लूंगा मार करके। लेकिन ये लाइन वेटेड फॉर द जयकार अपने होंठ को चाटते हुए जब शेर जो है जयकार का इंतजार कर रहा था। फाइव है, द होल फॉरेस्ट शू द डब्ल्यू एच एल होल मीन संपूर्ण लिखवाया गया है। द होल फॉरेस्ट इन जंगल द होल फॉरेस्ट शू एस एच डबल ओ के शू मीन भूजना शू। ठीक है, विथ द रोर ऑफ इन द बैंड रोर ऑफ द लाइन रोर ऑफ द लाइन। ठीक है, क्यों द होल फॉरेस्ट संपूर्ण जंगल जो है सूप विथ द सूप मीन्स भूजा या भूल उठा विथ द रोर ऑफ द लाइन कैसे है रोर ऑफ द लाइन शेर के रोर मीन दहाड़ना शेर की दहाड़ से जो है संपूर्ण जंगल उठा। कैसा दहाड़ना वह भयानक कह सकते हैं डरावना। ठीक है, यानी कि आपका टेरिबल इसमें क्या बनेंगे टेरिबल टी डबल आर एल डी एल ई टेरिबल रोल। ठीक है, टेरिबल मीन्स डरावना या भयावह बोल सकते हैं भयावना। उसकी आवाज़ जो थी उसके आवाज़ से जो है पूरा जंगल गूंज उठा। प्रत्येक से आपका द In the banks, lion slowly came out. Lion slowly came out. The lion slowly came out of the cave. Of the cave. ठीक है, यानी the lion स्लोली के माउंट के धीरे से जो है गुफा से बाहर आया। कैसे कौन लायन यानी कि पुलिस मूर्ख मूर्ख से इसमें क्या बनेंगे पुलिस द पुलिस लायन एफ डबल ओ एल आई एस एच मूर्ख से द पुलिस लायन मूर्ख से जो है धीरे से के माउंट बाहर ऑफ द के गुफा से बाहर आया। इस तरह से हो जाएगा आपका बैंक्स कंप्लीट। इसके बाद जो है आपका सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको आपको कर लेना बच्चों उसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी पर एड कर लेंगे सर। सवाल है आंसर द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई वाज द लायन हंग्री
वाई वाज द लायन, वाई वाज द लायन हंगरी, एच यू एन जी आर वाई। शेर भूखा क्यों था या शेर क्यों भूखा था, इसका आंसर लिखेंगे हम। आपको पता है ऐसा लेसन पढ़े हैं, यानी कि कह सकते हैं द लायन हंटेड एवरीवेयर बट नो फाउंड नो एनी बट फाउंड नो एनिमल टू किल एंड ईट सो द लायन वाज हंग्री। ठीक है, यानी लिखेंगे द लायन हंटेड हंटेड एवरीवेयर एवरीवेयर बट फाउंड नो एनिमल टू किल एंड ईट सो द लायन वाज हंग्री। ठीक है, यानी शेर जो है यहाँ वहाँ उस जगह जो है एवरीवेयर सब जगह जो है शिकार किया। ठीक है, बट लेकिन फाउंड नो एनिमल्स, लेकिन कोई जानवर से नहीं मिला मारने, ना वो किसी जानवर को मार पाया और ना ही खा पाया। इस तरह से इसलिए सो द लायन वाज हंग्री, इस तरह इसलिए जो है शेर भूखा था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है, Why did the jackal kill the ape? Why did the jackal kill to the cave? Why did the jackal come to the cave? Come to the cave. यानी सियार जो था, जैकाल जो था, वह गुफा में क्यों आता था? The jackal came to the cave every night. The jackal came to the cave every night to sleep. सियार जो है उस गुफा में प्रत्येक रात सोने के लिए आता था। ठीक है, प्रत्येक रात जो है वह वहां सोने के लिए आता था। थर्ड आपका, व्हाट डिड ही सी आउटसाइड द केव? What did he see outside the cave? ठीक है, क्वेश्चन मार्क आंसर होगा आपका, यानी कह व्हाट डिड ही सी आउटसाइड द केव। उसने जो है, इसने सियार की बात करी है, जैकाल की, जैकाल ने जो है गुफा के बाहर क्या देखा, गुफा के बाहर क्या देखा? आप लिखेंगे ही सा
These are some footprints. Some footprints. These are some footprints outside the cave. यानी हिस्सा उसने देखा सम फुटप्रिंट कुछ पैरों के निशान आउटसाइड के बाहर द केव गुफा के बाहर आउटसाइड द केव यानी कि उसने जो है गुफा के बाहर कुछ पैरों के निशान देखा या देखे शेर ने देखा सॉरी सियार ने देखा जकाल ने ठीक है इस तरह से नोट कर लेंगे इसके बाद आइए फोर्थ क्वेश्चन या द जैकार
Who was clever? Does the lion or the jackal? यानी कि कौन चालाक था? चालाक कौन था? The lion, शेर या the jackal या सियार, the jackal. तो यहाँ से लिखेंगे Who was clever? तो लिखेंगे the jackal was clever. आंसर हो जाएगा the jackal was clever. The jackal was clever. ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका. इस तरह से इस कहानी का जो है स्टोरी का टॉपिक के बोलने वाली कथा का आज हमने फिल द ब्लैंक्स एंड सी आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको कराया. ठीक है, इसको आप लोग जो है अपने कॉपी पे राइट करके लिख लेंगे और उसके बाद जो है इसको लर्न कर लेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो है हम इसमें आपका अभी डी ई एफ बचे हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है इसको हम आप लोग को कराएंगे. तब तक के लिए बाय बाय.